गल हो गई अर्श नाल, हो गई एसओपी बना ली मैं, ठीक है दसता सीगा सारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, मैं एसओपी बना के तैनू कॉल कर दूंगा। ओके सत श्रीकाल जी सारिया नू, मैं मोहिंदर कौर फ्लाई अब्रॉड इमीग्रेशन तो अमृतसर तो अज मैं लाइव हुई हाँ थोड़े जड़ा है इंस्टा के पेज से, तो होप सो तुसी सारे सेफ हो गए तो हैल्दी हो गए, अपने घर के बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो गए। तो अज का अपना जोड़ा टॉपिक हैगा वा यूके लैके हैगा वा, बहुत सारिया मेरे इनफोरमेटिव वीडियोज़ होंगे ने कैनेडा लैके ऑस्ट्रेलिया लैके लेटेस्ट अपडेट्स लैके कि रीसेंटली की चलता पाया वा, की रिक्वायरमेंट्स ने, की चेंजिस आए ने, कद असी फाइलिंग कर सकते हैं, किस तरह की प्रोफाइल्स के उत्ते वीजाज के चांसिस ने, यह सारी डिस्कशनस मैं हमेशा जी है अपनी वीडियो के राही करती रहनी हाँ थोड़े तक पहुँचाती रहनी हाँ। अज आप यूके लैके तो लाइव हो फ्लाई अबाउट इमीग्रेशन के पेज तो इतने मैं तुम्हें दसना चाहूँगी जिमें कि तुम्हें पता लग चुका होगा कि 6 जुलाई में जोड़ा वो VFS ओपन हो जा रही है यूके की, तो बहुत खुशी वाली गल हैगी कि जोड़े भी स्टूडेंट्स जोड़े ने यूके की वेट करते पे थे कि साडा वीजा जोड़ा है वा साडा यूके का आ जाए तो असी जोड़ा वा यूके जाके सैटल हो, उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते बहुत ज़्यादा खुशखबरी की गल हैगी है कि 6 जुलाई में जोड़ा VFS ओपन हो रही है, उस तो पहला जोड़ा वा तुम अपनी ऑफर लेटर अपलाई करनी ने, अपनी कैश लैनी है, अपने तो जो 28 डेज ओल्ड फंडस ने वो सारे तुम अरेजमेंट्स करने ने। हुण आपां इत्थे अज गल करांगे सैप्टेंबर इनटेक की, जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि सानूं 28 डेज ओल्ड फंड की रिक्वायरमेंट होंदी आ यूके दे विच फाइलिंग वास्ते, उस दे बिना तुहाडा वीजा नहीं आ सकता, तुहानूं ये फंडस दिखाने होंदे ने, 16 तो 18 लाख के फंडस की रिक्वायरमेंट आ, डिपेंड करेगा कि स्पाउस नाल जा रहा है कि सिंगल केस हैगा इंडिविजुअल केस हैगा, ठीक है। हुण इत्थे आपां गल करांगे सैप्टेंबर इनटेक की, जिवें कि ऑलरेडी जून की एंडिंग ते आपां हैगे आ, सिर्फ साडे कोल जिहड़ा वा जुलाई का मंथ बचिया होया जिस दे विच के 28 डेज ओल्ड फंड जिहड़े ओह करने पैणगे, जे हुण तुहाडे कोल फंडस नहीं हैगे उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते आ वीडियो हैगी आ कि बगैर टाइम वेस्ट कीतिया होया एक तरफ तुसी अपनी ऑफर लैटर अपलाई करो ते दूसरी तरफ अपने जिहड़े फंडस जिहड़े हैगे ने ओह बैंक दे विच रखने स्टार्ट कर दो, तां कि तुहाडे फंडस 28 डेज ओल्ड हो जाण ते जिहड़ी तुहाडी फाइल है ओह यूके दी एम्बेसी दे विच बिल्कुल टाइम नाल लग जावे ते तुहाडा वीजा जिहड़ा इन टाइम आ जावे सैप्टेंबर इनटेक वास्ते। अगर तुसी लेट हो जाते हो फिर तुहानूं अगला इनटेक जैन इनटेक मिलेगा जिस दे विच के कुछ चांसिस घट हो सकते ने तुहाडे वीजाज दे, बट सैप्टेंबर इनटेक बहुत वधिया जाण वाला वा, यूके खुद वाजा मार रहा है कि आके जरा वा अपने वीजा लो अपनी फाइल लगाओ तो जरा साड़ी कंट्री विच जरा तुसी आओ इत्थे स्टडी करन लई ते फर्दर जरा तो वर्क परमिट की भी उत्थे अपॉर्चुनिटीज हैगियां ने। होप सो आन वाले टाइम विच PR नू लैके भी कुछ नवी चीज़ आ जाए, कुछ वधिया जा सानू सुनन नू मिले कि PR भी उन्हां स्टूडेंट्स की होगी, एट प्रेजेंट असी PR की कमिटमेंट नहीं करते, असी तुहानू वर्क परमिट है जिहड़ा वा उह तुहानू पक्का उत्थे मिलेगा 1.5 तो 2 साल का, फर्दर भी जिहड़े चांसिस ने वर्क परमिट्स दे वध गए ने। हुण आपां इत्थे गल करिए कि सैप्टेंबर इनटेक वास्ते साडी रिक्वायरमेंट्स की होणगियां, जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन की हुई है उन्हां दे 50 to 55% जिहड़े इनाफ ने, प्लस टू स्टूडेंट्स ने जिहड़े उन्हां दे परसेंटेज की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ते ओ आयल्स नाल अप्लाई कर रहे हैं तो 6 बैंस ओवरऑल उन्होंने चाहिए होंगे, और जेडे स्टूडेंट्स जेडे ने विदाउट आयल्स कर रहे हैं इंग्लिश दे विच उन्होंने मार्क्स देखे जाएंगे एटलीस्ट 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने हैगी है। बाकी फंडस ते फंडस जिन्हों को है उन्होंने वास्ते कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं, असं उन्होंने ऑफर भी मंगावे तो कैश भी आ जाऊगी इन टाइम, तो फाइलिंग भी हो जाऊगी तो फाइल जी है तुहाडी सबमिट भी हो जाऊगी, बट इतने प्रॉब्लम आने वाली है जिन्होंने अपने फंडस दिखाने ने, जिहड़ा कि साडे वर्गे कंसल्टेंट्स भी वेट कर रहे थे कि सानू कुछ पता लगे VFS कद ओपन हो रहे ने, बॉर्डर्स कद ओपन हो रहे ने, उन्ना टाइम तक असी यूके दे विच अजे कोई काम नहीं सी कीता, कैनेडा 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 वल साडा फोकस सीगा ते ऑस्ट्रेलिया वल सीगा, बट हुण असी जाके जिहड़ा वा यूके दे वास्ते असी जिहड़ा हुण वीडियोज जिहड़ियां अपलोड करांगे तुहानू इनफॉर्मेशन देंदे रहांगे कि तुसी जिहड़ा अपने टाइम दे विच तुहाडे कोल बहुत लिमिटेड टाइम बचिया हैगा सैप्टेंबर इनटेक वास्ते, जैन इनटेक वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी उहदे विच भी अपनी ऑफर अपलाई कर सकते हो ते अपने फंडस अरेंज कर सकते हो, बट अगर तुसी सैप्टेंबर इनटेक लई जाना चाहते हो तो तुहाडे कोल एक भी दिन का टाइम नहीं हैगा, तुहानू हुण दे हुण अपने फंडस अरेंज करने पैणे आ, साइड बाय साइड तुहाडी ऑफर लैटर असीं अपलाई करांगे, तुहाडी बाकी की जिहड़ी रिक्वायरमेंट्स हैगियां फुलफिल करके तुहाडियां सारियां ते जिहड़ी अरेंज करांगे तुहाडी जिहड़ी फाइलिंग लई, बट तुहानू साइड बाय साइड 28 डेज ओल्ड फंड भी चाहिए होणगे जिन्हां नूं कि तुसी अज तो ही ट्राई करो अपने फंडस नूं रखण लई, ते प्रॉपर काउंसलिंग लई तुसी मेरे ऑफिस विजिट करो,
और अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਬੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈਗਾ किसी तरह की भी तुहानू कोई भी नॉलेज चाहिए होवे इनफॉर्मेशन चाहिए होवे ऑलवेज जेन्युइन इनफॉर्मेशन और जेन्युइन काउंसलिंग लैके जेन्युइन गाइडेंस लैके तुहाडे कोल हाजिर होनी आ यूट्यूब दे प्लेटफॉर्म ते फेसबुक दे उत्ते तुहानू इंस्टा दे उत्ते भी तुहानू जिहड़ा ऑलवेज जिहड़ी आ मैं सही जिहड़ी हैगी है डायरेक्शन दे विच लैके जाना ही मेरा मोटिव हैगा कोई चीज़ अगर रह गई होवे तुसी मैनू कॉल करके भी जिहड़ी आ अपनी इनफॉर्मेशन लै सकदे हो विदाउट एनी कॉस्ट जिहड़ा वा आई एम ऑलवेज देयर टू हैल्प एंड सपोर्ट यू माई डियर स्टूडेंट्स जिहड़े इस वीडियो नू देख रहे ने और जिहड़े जिन्हां दे भी फ्रेंड्स रैलेटिवस पिंड वाले गुआंढी कोई भी तुहाडे नोन लोग ने उन्हां तक इनफॉर्मेशन तुसी प्लीज़ पहुँचाओ कि जिहड़ा वा सैप्टेंबर इनटेक दे वास्ते विदाउट एनी डिले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9517172020 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ मेरे नाल अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स कर दियो तुहानू मेरा इत्थे जिहड़ा स्टाफ है अवेलेबल हैगा वो तुहानू प्रोपर काउंसलिंग जिहड़ी हैगी आ तुहानू दऊगा इत्थे बहुत ज़्यादा वैल क्वालिफाइड ते एक्सपीरियंस स्टाफ हैगा साडे कोल कंट्री वाइज जिस कंट्री दी भी तुसी काउंसलिंग लैणा चाहुंदे हो ते होप सो तुहानू इत्थे चीज़ां कवर हो चुकी होणगे परसेंटेज नू लैके तुहाडे बैंस नू लैके और तुहाडे इनटेक नू लैके और फी तुहानू पता ही हैगी 10 लाख दे अंदर जिहड़ी हैगी आ तुहाडा फी दा सारा खर्चा आएगा ते वीज़ा श्योर होणगे यूके दे वास्ते जो हैगा वा तुहानू पता है जिवें कि इकोनमी डाउन हो चुकी है बहुत सारी कंट्रीज़ दी एट प्रेजेंट जिहड़ा यूके दा सिनारियो हैगा वीज़ा जिहड़ा हैगा वा 10 चो 9 वीज़ा जिहड़े ने उह कन्फर्म होणगे कि वीज़ा आणगे ही आणगे बगैर टाइम वेस्ट कीतियां अगर किसी भी स्टूडेंट की कैनेडा तो रिफ्यूजल हैगी है ऑस्ट्रेलिया तो रिफ्यूजल है किसी यूरोप कंट्री तो हैगी है माल्टा तो हैगी है कितों भी हैगी ने वो अगर यूके का अपना जान का सुपना साकार करना चाहते हैं तो यही सुनहरी मौका वा कि वो अपना वीज़ा जिहड़ा वा ईजीली लै सकन सैप्टेंबर इनटेक का तो श्योर हैगा कि वीज़ा बहुत अच्छे आने हैं सब दे बाकी अगले इनटेक दे विच कुछ कह नहीं सकते बट ऐ वाला जिहड़ा इनटेक होगा बहुत वधिया रहेगा हर कंट्रीज दे विच ना ही कि सिर्फ यूके दे विच कैनेडा दे विच भी ते ऑस्ट्रेलिया फिलहाल अजे बंद हैगा उसके बारे मैं ते कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती बट यूके दा भी बहुत जल्दी VFS ओपन होन जा रहे ने ते जिहड़ा असीं फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं यूके दी भी फाइलिंग चल रही है अंदरले खाते सारा कुछ सही चल रहा वा सिर्फ बायोमैट्रिक्स की वेट हैगी है सानू कैनेडा दे विच के कद जाके VFS ओपन होणगे बट यूके दा तो डिकलेयर हो चुका है कि 6 जुलाई नू जिहड़ा वा तुहाडे VFS ओपन हो रहे हैं ते उन्ना चिर असीं जिहड़ी आ अपनी ऑफर लैटर का प्रोसेस स्टार्ट करिए ते साइड बाय साइड है जिहड़ी आपां फंडिंग नू भी स्टार्ट करिए कि किन्ने फंड्स रखने हैं किस फॉर्म च रखने हैं किवें पुराने करने हैं किवें फाइलिंग करनी है किवें कैश मंगवानी है किस तरीके दे नाल फास्ट ट्रैक दे विच जिहड़ी अपनी फाइल लगानी है जिस दे विच एक दिन दे विच भी तुहानू वीज़ा मिलेगा जिसकी कॉस्ट होएगी 1 लाख तो लैके 1.25 लाख एक तुहाडा नॉर्मली होगा जिस दे विच 35,000 रुपया तुहाडी जिहड़ी एम्बेसी फीस होएगी तो एक तुहाडा 65,000 तो 70,000 रुपया फीस होएगी 3 तरह की फीस होएगी एम्बेसी की जिस तरीके नाल तुसीं वीज़ा लेना चाहते हो जल्दी लेना चाहते हो 15 दिन च लेना चाहते हो 1 दिन च लेना चाहते हो कि 1 महीने च लेना चाहते हो यह सारा कुछ तुहाडे ते डिपेंड करेगा ते तुहाडे इनटेक ते डिपेंड करेगा ते सैप्टेंबर इनटेक की जी डेट होगी तुहाडी एडमिशन जी तुसीं लई होगी तुहाडी क्लासिस किस दिन स्टार्ट हो रही ने उसके अकॉर्डिंग तुसीं अपनी फाइल जी हैगी है एमरजेंसी बेसिस से भी लगा सकते हो एक्सट्रा चार्जिस पे करके और ये चार्जिस जड़े हो 1 तो 1.25 लाख रुपया ये तुहाडे जड़े ने एम्बेसी के होणगे ना कि साडे होणगे क्योंकि असी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैगे हाँ तुहाडे जो भी खर्चे होणगे तुहाडे क्रेडिट कार्ड चो सारे लए जाणगे साडा विच कोई भी हिडन चार्जिस नहीं होणगे असी सिर्फ तुहानू प्रोपर इत्थे गाइड करन लई बैठे हाँ तुहानू प्रोपर डायरेक्शन च लैके जाण लई बैठे हाँ होप सो तुहानू सारी चीज़ां इत्थे कवर हो गईआं होणगीआं अगर कोई चीज़ दी नहीं समझ लगी किसी गल दी तुसी मैनू कॉल करके दोबारा जिहड़ा वा मैनू पुछ सकदे हो थैंक्स अ लॉट